हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर स्वॉन्ग। आज हम करने वाले हैं कलर। इस पे कलर करेंगे, कैसा कलर वो बताते हैं। लेकिन पहले इस बालों पे कलर करना नॉर्मल हल्के फुल्के फैशन शेड हो सकते हैं, 5 से 6 नंबर के डायरेक्ट। अदरवाइज कोई भी फंकी कलर करना है या कोई भी एश कलर से रिलेटेड करना है तो आपको उसको प्री लाइट करना पड़ेगा। प्री लाइट कैसे करते हैं, उसके बाद कलर कैसे होगा वो देखते हैं स्टेप टू स्टेप पूरे। आइए ये सबसे पहले हम इसको करेंगे प्रीलाइट। प्रीलाइट बोलो तो ब्लीच किससे, हम तो स्टूडियो ब्रांड यूज करते हैं लोरियल का, आप कोई भी यूज कर सकते हो। वेल्ला का, शोशो का, वेरी ब्लोंड वेल्ला का आता है, स्ट्रिक्स का आता है, और भी 50 कंपनी है, किसी का भी ले सकते हैं। इसको ब्लीच पाउडर या ब्लोंडर आप कहते हो, इसको 20 या 30 या 40 से किसी भी मिला सकते हो, ऐसा बन जाएगा। फिर इसके बाद इसमें हम पैक कर लेंगे इसको। सो गाइज, ये कर दिया हमने प्री लाइट तो आप भी करते हैं ऐसे ही, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने 10 बार आपको समझा रखा है, कोई स्पेसिफिक जरूरी नहीं है किसी एक चीज़ का लेना, किसी का भी लेके ब्लीच कर दो। ब्लीच करना प्री लाइट। ओके अब इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, इसको चेक करते रहेंगे। जैसे ही ये 7-8 लेवल पे आएगा, अगर एक बार ही में नहीं आता है तो आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 बार यूज़ करना है तो नेक्स्ट टाइम आप 20 या 30 वॉल्यूम यूज़ करना, उससे भी काम बन जाएगा। ठीक है, ओके। प्री लाइट होने के बाद आपको फिर मिलते हैं। ओके, ये देख लीजिए, ये है। अब इसको हम पैक कर देंगे ऐसे, उसके बाद इसके प्री लाइट होने के बाद 8 या 9 लेवल पे जाएंगे, जो भी फैशन शेड करेंगे फिर आपको कलर ट्यूब दिखा के बात करते हैं। ओके, थैंक यू। सो गाइस, ये हो गया प्री लाइट, देखिए आप चेक कर लेंगे इसको, फिर से हम एक बार देखेंगे, क्योंकि एक बार में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार में नहीं होता तो सेकंड टाइम आप 20 या 30 वॉल्यूम से लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करके लगाने से प्री लाइट जल्दी उठता है, तो पहले हम इसको कर रहे हैं वॉश। ये देखिए, अभी इसके अंदर हल्का फुल्का पैच है, जितना इवन आप कर पाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए, अभी इसके अंदर पैच है, प्रोडक्ट है, इसलिए ऐसे स्टैंड हो गया। अदरवाइज आप देखेंगे थोड़ा डार्क लग रहा है, अभी तो आपको ये 6-7 नंबर पे गया है। इसको 9 लेवल पर बिल्कुल परफेक्टली लेके जाना, अगर कुछ पैच रहता है तो पैच भी आपको कवर अप करना है। ठीक है, ये देखिए, अब इसको हम फिर से लगा देंगे। इसमें और भी लगा रखे हैं क्योंकि क्लासेस तो होती रहती है, आपको पता है ऑनलाइन जो पर्सनल क्लासेस है बच्चों की होती रहती है, तो उसके अंदर वो हीट रहेगी उनके अंदर। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने बता दिया कि ऐसे करना है। अभी हमने दोबारा कर लिया, ये देखिए, अब ये इवनली आया है, बिल्कुल इवन आया होगा। ये देखिए, वॉश में ही दिख रहा है कि आपको इवन आया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। ऐसे जब तक अगर कुछ पैच रह जाता है तो पर्टिकुलरली बिल्कुल इसी एरिया पे क्लाइंट के आप हल्का सा प्री लाइट लगा के उसको इवन कर लीजिए। जरूरी है इवन करके कलर करना, नहीं तो कलर भी पैच ही आएगा। डन, अब इसको हम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि डिपॉजिटिंग वैसे तो उस पर भी हो सकती है वेट हेयर पे, लेकिन जितना ड्राई पे करेंगे तो इवन हल्का फुल्का भी पैच होगा तो वो हल्के फुल्का पैच 1-2% वैसे इसमें है नहीं, तो और कलर परफेक्ट आता है। ठीक है, डन। ये है 9.11, अगर आपको नहीं दिख रहा तो 9.11 है ये कलर ट्यूब, जिसको कूल कवर कहते हैं। इसको 20 वॉल्यूम से डालेंगे और इंस्टेंटली मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में कलर आएगा, क्योंकि डिपॉजिटिंग जब हम परफेक्ट प्रीलाइट करके करते हैं तो आपकी जो कलर है वो इवनली आता है और बहुत फास्ट आता है। ज़्यादा देर तक रखने पर वो डार्क होता है इस टाइम, ठीक है, लेकिन उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे एश कलर में मैंने आपको बताया था ना कि कलर कटिंग के टाइम पे जितनी जल्दी करोगे नहीं तो वो ब्लू होता चला जाता है, जितना ज़्यादा देर रखोगे। थोड़ी देर में तो पहले एश आएगा, वो राख जैसा कलर, वाइट सा, अदरवाइज वो एश होता चला जाएगा। ये हमने मिक्स कर लिया 20 वॉल्यूम से 11.11, और हम इसको अब लगा देंगे। इसमें डेवलपर थोड़ा सा और डाल लेंगे हम अभी। ये देखिए, कलर देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, इवनली प्रीलाइटेड है ना, तो क्लाइंट के भी आपको ऐसे ही करना है, राइट, बिल्कुल तरीके से करना है आपको। अब हम इस पर कलर लगाएंगे, देखना विद इन अ मिनट भी नहीं लगेगा ये कलर चेंज होने लगेगा। होप सो इसके अंदर कटिंग कट नहीं है, जहाँ तक है फास्ट फॉरवर्ड है ये। ये देखिए, जहाँ तक मुझे पता है इसमें कट नहीं है वीडियो में, आप टेंशन मत मानिए, कुछ भी भेदभाव नहीं होगा आप लोगों के साथ, जो ओरिजिनलिटी है वो दिखाई जाएगी। ओके, लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है, देखिए 1 मिनट में देखिए लाइव कलर चेंज हो रहा है, देखिए अभी जस्ट 2 मिनट हुआ इसको लगाते, ये देखिए 2 मिनट का कलर है, ये 2 मिनट का, 2 मिनट का भी नहीं, 1 मिनट का, देखो 1 मिनट, हाँ वीडियो ही 1 मिनट की हुई है, 1 मिनट का कलर है, 1 मिनट का, बिना कटिंग के बिना कुछ उसके। ये देखिए 1 मिनट हुई है इसको लगाते, ये जब होता है जब आप प्री लाइट ढंग से करते हो इवनली। आपको मैंने दिखाया था प्री लाइट कितना इवन हो रखा था ना इसका, बिल्कुल इवन एक बराबर प्री लाइट हो रखा था, ये आ गया ना बढ़िया वाला कलर। अब हम इसको क्या करेंगे ना, वॉश करके ले आते हैं, ज़्यादा देर रोकेंगे तो उतना ही डार्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 9.11 है, कलर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ज़्यादा अप डाउन नहीं होगा ये। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ उसको, चलो वॉश करके लाते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अगर थोड़ी देर भी अगर आप रखते हैं ऐसे कलर में परफेक्ट, एक सिंगल शेड के अंदर आप थोड़ी देर रखते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो उतना ही सेटल और थोड़ा सा डार्क होता चला जाएगा। ये देखिए, जैसा आपको दिख रहा है हल्का सा डार्क होता जा रहा है, लेकिन जब इसको सुखाएंगे, गीला बाल, वेट हेयर, हमेशा थोड़ा सा डार्क दिखता है कलर से,
नहीं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इसके अंदर। अब हम इसको सुखा लेंगे, सुखा के आपको दिखाते हैं एंड टू एंड। अभी आपको अभी से कलर दिख गया वो कूल कलर बिल्कुल परफेक्टली आया है। ये देखिए हम इसमें कोम में रख के इसको सुखा लेंगे। ऐसे छोटे छोटे बालों को सुखाना भी एक टास्क है वैसे। सुखा के आपको दिखाते हैं और अपना फीडबैक आप मुझे इंस्टाग्राम पे साइडों में दिख ही रहा है आपको, जरूर शेयर करिएगा अपना फीडबैक। और अपनी कोई कला कराए हैं आपने तो उसकी फोटोज मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर करिएगा। थैंक यू। फूल कवर ऐसा कलर आता है देखिए, बस एक ही कंडीशन है, जो आप प्री लाइट कर रहे हैं वो इवनली प्री लाइट हो, इवनली प्री लाइट होना चाहिए, ऐसा कलर आएगा। डन। ये देखिए 9.11 है ऐसा कलर, इवनली प्री लाइट जितना बेस्ट होगा ना आपका क्वालिटी रखना इसके अंदर। देखो अभी भी क्वालिटी है, स्टेप टू स्टेप दिखाया। और कभी भी प्री लाइट करने के बाद जब भी डिपॉजिटिंग करेंगे 9.11 की फूल कवर की, तो हमेशा 20 वॉल्यूम से करेंगे, ठीक है। ये कलर आया देखिए, लुक ओके। सजेशन देना किसी का नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, या फिर जो भी है इंस्टाग्राम का यहीं के लिंक दिख रहा होगा आपको साइड में, नाम पीस का सलून डीएम कर देना मुझे। ओके थैंक यू।